डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ेंगे T1 की पहली लेसन फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पेज नंबर 31 पर है लेसन। T1 की पहली लेसन है ये आपकी। एक मज़ेदार पोइम है। दिस पोइम इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। एक्चुअली ये एक कहानी है, पोइम की सूरत में एक कहानी है। इसका नाम है फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पहले हम इसका जो टाइटल है उस पर देखेंगे कि ये क्या होता है। फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पाइड हम उस आदमी को कहते हैं जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने हो, मल्टी कलर्ड कपड़े जिसने पहने हो। पाइपर उस आदमी को कहते हैं जो कोई फ्लूट बजाता हो, बांसुरी बजाता हो, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हो मुंह से। हैमलिन एक टाउन का नाम है, एक शहर का नाम है। जर्मनी में ये एक शहर है हैमलिन। आज से तकरीबन सैकड़ों साल पहले इस शहर में चूहों की बहुत कसरत पाई जाती थी। द होल टाउन वॉज ओवररन विद रैट्स। इतने रैट्स थे इस शहर में कि जहाँ भी आप देखो वहाँ चूहा होता था, ये रैट होता था। दे एट एवरीथिंग, ड्रैंक एवरीथिंग, इवन दे वर फाउंड इन द क्लोथ्स, पॉकेट्स, कैप्स, जो कुछ भी वहां था वहां ये पाए जाते थे। जब लोग तंग आ गए तो वो अपने मेयर के पास गए, अपने ऑफिसर के पास गए और उसे कहा कि मेहरबानी करके हमें इन चूहों से छुटकारा दिला दो। एंड देन द मेयर इनवाइटेड पाइड पाइपर। उन्होंने पाइड पाइपर को बुलाया। वो एक मैजिशियन था, जादूगर था। उसकी पाइप में बहुत ही कशिश थी, जो भी कोई सुनता था वो उसके पीछे पीछे भाग जाता था। दिस मैजिशियन रिड द टाउन ऑफ इट्स रैट्स। इस मैजिशियन ने क्या किया कि तमाम चूहों को वहां से निकाला। इसके बदले में उन्होंने बहुत पैसा मांगा। फिर बाद में क्या हुआ यही हम पढ़ेंगे इस पोइम में, फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। पेज नंबर 31 पर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसकी बहुत अच्छी राइम स्कीम है, राइमिंग वर्ड्स है। ए बी इसकी राइम स्कीम है। सी डी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। इन टू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड। पाइपर आया, जब उसको बुलाया गया, जब उसे काम सौंपा गया कि आप चूहों को यहाँ से निकालो, तो उन्होंने वो एक स्ट्रीट में खड़ा हो गया स्माइलिंग। फर्स्ट ए लिटल स्माइल, हंस रहा था क्योंकि उसको पता था कि मैं ये काम आसानी से करूंगा, मैं तमाम रैट्स को घरों से निकालूंगा। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लेप्ट इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल। उसको पता था कि उसकी बांसुरी में कितनी ताकत है, कितना पावर है। Then like a musical adept हम expert को कहते हैं, जैसे वो कोई expert था। वो आया और to blow the pipe, his lips he wrinkled, उन्होंने अपनी होठों को गोल किया ताकि वो अपनी पाइप को बजाए, अपनी बांसुरी को बजाए। And green and blue, his sharp eyes twinkled, उसकी जो ग्रीन एंड ब्लू आंखें थी वो चमक रही थी।
लाइक ए कैंडल, बिल्कुल उस कैंडल की तरह जिसमें हम क्या छिड़कते हैं, नमक। जब नमक किसी आग में छिड़का जाता है तो वो चमक चमक वहां से आती है। लाइक ए कैंडल फ्लेम वायर सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, नमक छिड़कना किसी चीज पर। एंड एयर, इट्स एन आर्केइक वर्ड, पुराना वर्ड है, इट मीन्स बिफोर। बिफोर एंड एयर, थ्री शिल नोट्स द पाइप अटर्ड बिफोर ही स्टार्टेड, बिफोर ही प्लेड थ्री लाउड नोट्स इन हिज पाइप, तीन बार उन्होंने पाइप को बजाया। यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड, जैसे कोई आर्मी आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज आ रही थी। मटर्ड देन एंड द मटरिंग यू टू ए ग्रम्बलिंग, फिर ये शोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, पहले मटरिंग था अब ग्रम्बलिंग हो गया। देन एंड द ग्रम्बलिंग ग्रेव टू ए माइटी रम्बलिंग, फिर ये रम्बलिंग में चेंज हो गया, इससे ज्यादा आवाज, कंटिन्यूअस साउंड। एंड आउट ऑफ द हाउस इज द रैट स्कीम टम्बलिंग, घरों से चूहे उछलते कूदते गिरते संभलते निकल गए। एंड आउट ऑफ द हाउस इज द रैट स्कीम टम्बलिंग, ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्रॉनी रैट्स, बड़े चूहे, छोटे चूहे, कमजोर चूहे, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉनी मीन स्ट्रॉन्ग, ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स, ग्रे रैट्स, टॉनी रैट्स, टॉनी भी एक कलर है, ब्राउनिश ऑरेंज कलर होता है, तमाम रंगों के रैट्स निकल आए। ग्रेव ओल्ड प्लॉडर्स, ग्रेव मीन्स वाइज, जो बूढ़े होते हैं वो फिर एक्सपीरियंसड होते हैं, वो वाइज होते हैं, दाना होते हैं, वो भी निकले। गे यंग फ्रिस्कर्स, गे मीन्स जॉयफुल, फ्रिस्कर्स वॉक प्लेफुली, जल्दी जल्दी दौड़ने वाले। ये जो पुराना, ये जो ओल्ड रैट्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, लेकिन जो ये यंग रैट्स थे ये आप तेज चल रहे थे। इन चूहों में फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजिन्स, सभी, कोई बाप था, कोई मदर थी, कोई अंकल था, कोई कजिन था। कॉकिंग टेल्स, अपने जो टेल थे वो इधर उधर हिला रहे थे। एंड प्रिकिंग विस्कर्स, प्रिकिंग मीन्स गो रेजिंग, विस्कर्स आपने देखा है जो बाल होते हैं दिस चूहों के मुंह के ऊपर लंबे लंबे बाल होते हैं, उन्हीं को रेज करते थे। फैमिलीज बाय टेन्स एंड डजन्स, कुछ घर में 10 चूहे थे तो वो भी आए, कुछ घर में 12 थे वो भी निकले। ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइव्स, कोई भाई था, कोई बहन थी, कोई हस्बैंड था, कोई बीवी थी। फॉलोड द पाइपर फॉर दियर लाइव्स, सब पाइपर के पीछे पीछे चल गए। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपड एडवांसिंग, गली एक गली से निकल कर दूसरी गली में, दूसरी से निकल कर तीसरी गली में, जब तक इस शहर की तमाम गलियों से उन्होंने चूहों को अपने साथ लाया। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉलो डांसिंग, वो डांस करते करते उसके पीछे चले जा रहे थे। अंटिल दे केम टू द रिवर वेजर, बिल्कुल दरिया वेजर के पास पहुंच गए। वायर इन ऑल प्लंज्ड एंड पेरिश्ड, जहाँ सब इतने मस्त थे कि उनको पता ही नहीं चला कि आगे दरिया है, सबों ने उसमें छलांग मारी और मर गए। से वन एक्सेप्ट वन
स्टाउट एज जूलियस सीजर, जो बहुत बहादुर था जूलियस सीजर की तरह, ये एक रोमन किंग था, बहुत बहादुर इंसान, उसी की तरह ये चूहा भी बहुत बहादुर था। क्यों बहादुर था? स्वैम अक्रॉस एंड लिव्ड टू कैरी, उन्होंने पूरे दरिया में जिस ये तैर वो पूरे दरिया को तैरता हुआ पार कर गया। एज द मैनुस्क्रिप्ट ही चेरिश्ड, और फिर बाकियों को उन्होंने ये कहानी सुनाई। टू रैट लैंड होम हिज कमेंट्री, जब ये दूसरे दुनिया में पहुंच गया, दूसरे चूहों के शहर में पहुंच गया, वहां उन्होंने अपनी ये कहानी सुनाई। ये थी पोइम, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन। बिल्कुल मज़ेदार पोइम है। राइमिंग स्कीम आप देखिए, स्टेप्ड स्माइल, स्लैप्ड वाइल, अडेप्ट रिंकलर्ड ट्विंकलर, स्प्रिकलर्ड अटर्ड मटर्ड, क्रम्बलिंग रम्बलिंग टम्बलिंग, ब्राउनी रेड स्टोनी रेड, स्प्रिस्कर्स क्वाजिनर्स विस्कर्स, डजनर्स वाइवर्स लाइवर्स, एडवांसिंग डांसिंग वेजर पेरिशेड सीजर कैरी कमेंट्री चेरिशेड। इसमें इंटरनाइम सिकीम भी है, एक तो लास्ट में है, दूसरे जो लाइन में बीच में भी इसमें एक राइम सिकीम है। आप इसको बार बार पढ़िए, एक दो बार फिर इसको अच्छी तरह समझिए। इंशाल्लाह कल हम जो इसके जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। टिल दैट गुड बाई।